मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, धारवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? कई बार मैं इस मैदान में सभा कर चुका हूं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मुझे बताओ, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? प्रहलाद जोशी को फिर से सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो भैया, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। माताओं बहनों सभी मेरे साथ हाथ उठाइए, उठाइए हाथ। स्टेडियम में बैठे वो भी हाथ उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय। श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री के एस नवीन जी, श्री एम आर पाटिल जी, श्री महेश जी, एम नागराज जी, एस वी संकनूर जी, प्रदीप सेट्टार जी, लिंगराज पाटिल जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री यत्नाल जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मेरे प्रिय मित्र और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, जोर से ताली बजाओ जोशी जी के साथ। और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले ताई भुवनेश्वरी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी, श्री मुरु सावीरा मठ, श्री मुरुग मठ और कनक दास जी महाराज को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब कित्तूर रानी चेन्नम्मा और संगोली रायना को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत। भाई और बहनों, धारवाड़ हमारे भारत के शास्त्रीय संगीत ज्ञानपीठ की एक बहुत बड़ी राजधानी है। सवाई गंधर्व भीमसेन जोशी को मनपूर्वक याद कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये चुनाव जो 2024 का है, ये ऐतिहासिक चुनाव है। चुनाव में दो खेमे पड़ चुके हैं, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करप्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी बार 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिन पर 25 पैसे का आरोप नहीं लगा, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी है। एक और गर्मी बढ़ते ही विदेश जाकर वैकेशन करने वाले भाई बहन है, पहचानते हो ना भाई? अरे पहचानते हो, नहीं पहचानते हो? पक्का पहचानते हो ना? एक और विदेश में वैकेशन करने वाले भाई बहन है, और दूसरी ओर
23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और PFI पर बैन लगाने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर SDPI का समर्थन लेने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, ये दोनों के बीच में तय करना है कि अगले 5 साल तक इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो, इस देश का शासन किस पार्टी के साथ। मुझे बताओ हुबली धारवाड़ वालों, आप किसको पसंद करते हो? जोर से बोलो, किसको करते हो? और जोर से बोलो, किसको करते हो? अरे सिर्फ हुबली धारवाड़ नहीं, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, बंगाल हो या गुजरात, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो या तमिलनाडु, सब जगह मोदी 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 के नारे लगे। भाई बीच में घूमे वगैरह साथ में जाओ। चारों ओर देश भर ने तय किया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को जिताना है और मैं आज यहां प्रहलाद भाई को जिताने के लिए अपील करने नहीं आया हूं। हुबली दरबार वालों, प्रहलाद जी को इतने वोट से जिताइए कि अगले बार प्रहलाद के सामने कोई पर्चा डालने की हिम्मत न करे, हिम्मत न करे। प्रहलाद भाई ने ही तिरंगे के लिए इसी भूमि पर से आंदोलन छेड़ा था और प्रहलाद भाई के आंदोलन से शुरू हुई तिरंगे के सम्मान की यात्रा आज मोदी जी ने कश्मीर के लाल चौक के अंदर भी तिरंगा फैला। मुझे बताओ हुबली धारवाड़ वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं कर्नाटक राजस्थान वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर कर्नाटक वालों को जान नहीं पाए। मेरे हुबली धारवाड़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस संतान की तरह गोदी में खिलाती रही, वोट बैंक की राजनीति करती रही। मोदी जी को आपने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। भाइयों समाप्त। अरे राहुल बाबा उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े हो गए, कई बार तो मुझे लगता है ये पार्लियामेंट में न बोले तो कांग्रेस पार्टी का भला हो जाए। ये खड़े हो गए, खड़े होकर बोले 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों न हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा 5 साल हो गए, 5 साल खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से सुरक्षित किया। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल चली, आए दिन आलिया मालिया जमालिया,
पाकिस्तान से घुस जाते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने उरी पुलवामा में फिर से हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि इस बार कांग्रेस नहीं भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, कैरेक्टर देखिए। चुनाव जीतने के लिए SDPI की मदद ली और बनते ही चुनाव आते ही बेंगलुरु में बम धमाका हुआ और कहने लगे गैस का सिलेंडर फटा है। शर्म करो, शर्म करो। हमने NIA को जांच सौंपी और मालूम पड़ गया ये भारत विरोधी लोगों ने बम धमाके करे हैं। भाई और बहनों, इन लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए कर्नाटक की सुरक्षा को ताक पर रखने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक की जनता ने तय करना है एक और देश को सुरक्षित करने वाले नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी ओर वोट बैंक के लिए बम धमाके हो तो परवाह नहीं, ऐसी कांग्रेस पार्टी है। ये दोनों के बीच में आपको निर्णय करना है, निर्णय करना। भाइयों बहनों, आप प्रहलाद भाई के नाम पर उनके सामने कमल का जो निशान है वहां बटन दबाएंगे तो आपका प्रहलाद जोशी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश से आतंकवाद को समाप्त कर देना, देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देना, भारत के अर्थतंत्र को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का काम करना, 3 करोड़ गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाना, 3 लाख गांव में पैक्स और डेयरी बनाना, चंद्रयान मंगलयान आदित्ययान तीनों मिशन को सफल करना और कश्मीर नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी क्षेत्रों में शांति की स्थापना करना। भाई और बहनों, आज इतने सारे लोग, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, मुझे बताओ भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल बाबा ये सबको आमंत्रण भेजे, मगर वो उनकी वोट बैंक है ना, वोट बैंक कौन सी जानते हो ना भाई? जानते हो या नहीं जानते हो? ईश्वर जानते हो या नहीं जानते हो? ये वोट बैंक से डर से प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में नहीं गए। अब मुझे बताओ भाई, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में न जाए
हुबली धारवाड़ वाले इनके साथ रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर ही इनकी सब राजनीति को समाप्त कर विकास की राजनीति का रास्ता देश के अंदर प्रशस्त किया है। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ स्पेशल प्रहलाद ज्योति जोशी को जिताने की अपील करने के लिए आया। प्रहलाद जी, आप जरा खड़े हो जाइए, आगे आइए। मैं देश में जिस जिस क्षेत्र में जाता हूँ, वहां के मतदाता कहते हैं हमारे सांसद को भाई साहब मंत्री बना देना। अब धारवाड़ वालों, हुबली वालों, आपको तो बना बनाया बड़ा मंत्री हमने दिया है, कोई गलती मत करने देना। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ये युवा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आप प्रहलाद जोशी को दिल्ली भेजो, उनको बड़ा बनाने का काम हम करेंगे भाइयों, हम करेंगे। भाई और बहनों, प्रहलाद जोशी देखने में सीधे साधे हैं, मगर हुबली धारवाड़ का काम आता है तो धड़ाम से मेरे साथ भी झगड़ा कर लेते हैं। कोरोना आया, सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं आया तो हुबली धारवाड़ में आया। मुझे बताओ भाई, सबको वैक्सीन मिला है या नहीं मिला है? अरे दो मिले हो तो दोनों हाथ खड़ा करो जरा। दोनों वैक्सीन लगे ना, किसी को चारा ना देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में वैक्सीन दिया ना, इसके लिए ये हमारे धारवाड़ के सांसद ने झगड़ा कर आपको कोरोना से सुरक्षित करने का काम प्रहलाद जोशी ने। धारवाड़ के अंदर 100% घरों के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम हमारे प्रहलाद जोशी ने करा है। ताली बजाइए जरा जोर से प्रहलाद के साथ। और प्रहलाद जी ने धारवाड़ की लाखों माताओं के घर में गैस का कनेक्शन भेजा। सिर्फ धारवाड़ के अंदर 19 लाख घर बनाए, शौचालय लाखों बनाए, कई माताओं बहनों को 5 लाख तक का पूरा बीमा दिया। और धारवाड़ के अंदर 15 लाख से ज्यादा गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम प्रहलाद भाई ने किया है। भाई और बहनों, जब इस प्रकार का सांसद मिले तब कभी गवाना नहीं चाहिए। मैं आज कर्नाटक में आया हूं, अभी अभी यहां के मुख्यमंत्री सूखे पर राजनीति करते हैं। सूखे का पैसा क्यों देर से पहुंचा, आज मैं कर्नाटक की जनता को सत्य बताना चाहता हूं। ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अंदर अंदर झगड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को गिराने में पड़े और मुख्यमंत्री टिकने में पड़े। दरख्वास्त ही लेट कर दी, 3-3 बार दरखास्त भेजी, तीसरी दरखास्त आते आते आचार संहिता आ गई, इसलिए लेट हुआ है। और ये लोग झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रहे हैं। भाई और बहनों, उनको लगा कि अभी हमारा JDS से समाधान है। तो रेवन्ना का सीढ़ी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरमैया जी, DK सुकुमार जी, सरकार आपकी है,
कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था, आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है, हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए हैं। मैं आज हुबली धारवाड़ वालों को बताता हूं, भले हमारे साथी हो, हमारा स्टैंड स्पष्ट है, जो इस प्रकार के कृत्य करता है कठोर से कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। भाइयों और बहनों, ऐसे भयंकर अपराध में भी ये राजनीति कर रहे हैं। मैं आज कर्नाटक सरकार को पूछना चाहता हूं, 18 अप्रैल को जिम्मेदारी है और ये कह रहे व्यक्तिगत मामला है, क्या बच्ची बन ठन कर कैंपस में नहीं जाएगी? आप सुरक्षा नहीं करोगे, इसकी हत्या कर दी जाएगी? अरे नहीं बन पड़ता है तो छोड़ दो, हम कर्नाटक को सुरक्षित करेंगे। भाइयों और बहनों, कर्नाटक की बच्चियों को ये सुरक्षा नहीं दे सकते। विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और सिद्धरमैया जी कहते हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ा। अरे सुनाई नहीं पड़ा तो कान रिपेयर कराओ, हमें दिल्ली में सुनाई पड़ा। माइनॉरिटी के इनके विधायक के घर को आग लग जाती, SDPI केरल में इनका समर्थन करती है। भाइयों बहनों, ये विकास नहीं कर सकते, तुष्टिकरण की राजनीति कर कर्नाटक को खतरे में डालने का काम। मोदी जी के आने से पहले कर्नाटक में 25 नेशनल हाईवे थे, 6000 किलोमीटर था, बैठो प्रसाद भाई, आज 47 बने, 47 बने, 8000 किलोमीटर हुआ, 5 वंदे भारत ट्रेन हुई, मैसूर चेन्नई धारवाड़ बेंगलुरु हैदराबाद बेंगलुरु बेंगलुरु कोयम्बतूर मंगलूर मडगांव वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी जी ने चालू करी, शिवमोगा और हुबली हवाई अड्डे को नया बनाया जा रहा है, और उत्तर कर्नाटक के लिए ऊपरी भद्रा अपर कृष्णा कलसा डूंगरी 12000 करोड़ रुपया के सिंचाई के काम किए, सीख गांव में टेक्सटाइल पार्क बनाया, हावेरी में मेगा डेयरी बन रही है, और इसके साथ साथ हावेरी में नया मेडिकल कॉलेज भी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करें। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब ये DK शिव कुमार को पूछना था, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, कर्नाटक को कितना रुपया दिया? भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2004 से 14 10 साल में कर्नाटक को 1,42,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,42,000 करोड़, और मोदी जी ने 10 साल में 4,98,000 रुपीस नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसके अलावे 1.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 50,000 करोड़ रोड का, 75,000 करोड़ रेलवे में, और 11,000 करोड़ एयरवेज के विकास के लिए दिया। भाई और बहनों, मैं आपको बताने हैं, गत चुनाव में भी आपने मोदी जी को 28 सीट दिया था यहां से, इस बार कंप्लीट स्वीप कर दीजिए, कांग्रेस को स्ट्रांग मैसेज भेजिए। मुझे बताओ धारवाड़ हुबली वालों, प्रहलाद भाई को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे क्या ऐसे बोलते हो भाई, जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? कर्नाटक की सारी सीटें मोदी जी की। धारवाड़ वालों को बताता हूं, भले हमारे साथी हो, हमारा स्टैंड स्पष्ट है,
जो इस प्रकार के कृत्य करता है, कठोर से कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए। हमारे भारत के शास्त्रीय संगीत ज्ञानपीठ की एक बहुत बड़ी राजधानी सवाई गंधर्व भीमसेन जोशी को मन पूर्वक याद करकर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये चुनाव जो 2024 का है, ये ऐतिहासिक चुनाव। चुनाव में दो खेमे पड़ चुके हैं, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार